दोस्तों, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ और कनाडा में इस वक्त मेरे शहर में करीब 4 बज गए हैं शाम के। मेरे को खबर मिली है जो न्यूजीलैंड से दीपक जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी पहले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की, वहां से वीजा कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसके बारे में मेरी अपनी धारणा शायद कुछ ठीक है, वहां से मुश्किल है। लेकिन दीपक बता रहे हैं उनका एक केस है उनका जो अभी रिसेंटली अप्रूव हुआ है, उसके बारे में आप सुनते हैं, जैसे कि और भी बहुत लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में रहते हैं और उनको फायदा हो सकता है। कई मेरे को केसेस वहां से आते हैं, लोग कॉल करते हैं, जी मैं तो जी स्टूडेंट बन के आया, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ मुश्किल है, फलाना है, मेरे को कनाडा बुला लो। तो मेरा एक व्यू पॉइंट था उनके बारे में और शायद आज ये चेंज हो जाए उस जो आज ये बताने वाले हैं। दीपक, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ जी सर, बताएं सर जी। दीपक जी, क्या केस था उसके बारे में बताएं, और थोड़ा सा बताएं कि व्हाट वाज द इमिग्रेशन प्रॉब्लम, किसने अप्लाई किया, कैसे अप्लाई किया, क्या उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताएं। हाँ तो सर, ये जो मेरा केस था वो स्टूडेंट वीजा का था जी। सो मैं न्यूजीलैंड में रह रहा हूँ, तो हम लोग मतलब जो मुझे आगे पढ़ाई करने की इच्छा थी अपना पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए फिर मैंने कनाडा चूज किया और फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया स्टूडेंट वीज़ा। सो स्टूडेंट वीज़ा मैंने अप्लाई किया उधर करीब मार्च में, लेकिन कोविड की वजह से वो एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो पाई। और पहले जब मैंने अप्लाई किया था तो क्योंकि मेरे बीवी और बच्चे मेरे साथ थे और उस वक्त मेरा ये था कि बच्चों की पढ़ाई चल रही थी न्यूजीलैंड में और वो हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे किसी भी हालत में, क्योंकि जो बड़ी बेटी है वो 16 साल की है और उसके लिए स्कूल चेंज करना थोड़ा मुश्किल था, और हम चाहते थे कि उसका पूरा सेप्टेम्बर मतलब जब उसका पूरा सेशन स्कूल का जो टर्म होता है वो ख़त्म हो जाए सेप्टेम्बर या आई थिंक समवेयर अराउंड दिसंबर, तो उसके बाद उनका प्लान था। तो इनिशियली हमने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया और वो एप्लीकेशन कोविड की वजह से नहीं उठी मार्च के, क्योंकि बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन था और कोई आगे प्रोसेस नहीं हुई। तो करीब 6-7 महीने बाद अक्टूबर में जब ये बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन स्टूडेंट के लिए उन्होंने रिलैक्स किया तो एप्लीकेशन पिक हो गई और अब विद इन लाइक आई थिंक विद इन 2 डेज उसका अप्रूवल आ गया था और वो अप्लाई हो गई। थोड़ा सा ही रोक दे दीपक आपको, तो जब आपने कनाडा के लिए अप्लाई किया, स्टडी वीजा के लिए अप्लाई किया, तो उस वक्त आपका स्टेटस न्यूजीलैंड में एज अ स्टूडेंट था? नहीं, उस वक्त मैं वर्क वीजा पे था। स्टूडेंट के बाद जो वर्क वीजा करते हैं? हाँ, तो इनिशियली मुझे मैंने न्यूजीलैंड में भी पढ़ाई की थी और उसके बाद मुझे 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिला था। तो जब मैंने कनाडा का अप्लाई किया था उस वक्त मैं वर्क वीजा पे था, मैं जॉब कर रहा था। कई लोगों का मानना इस तरह से और मैंने भी देखा है कि जो लोग स्टडी के बाद ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा हो, जो स्टडी के बाद वहां पर काम करते हैं और इवेंचुअली वो वहां पर फिर कनाडा के लिए स्टडी के लिए कोशिश करते हैं, तो कुछ टाइम पहले जो आपकी एप्लीकेशन वहां जाती है ना, सिडनी में जाती है, जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ कनाडा इन सिडनी है, जाती ना? हाँ जी सर, जितनी हाँ। भी, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर एम्बेसी नहीं है कनाडा की जी। और तो इसकी सारी एप्लीकेशन यहाँ पे एक सेंटर है VFS करके, VFS ग्लोबल, तो वो असाइंड है आपकी एप्लीकेशन। आप VFS ग्लोबल के थ्रू एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और वो आपकी एप्लीकेशन को सिडनी एम्बेसी में फॉरवर्ड करते हैं, कनाडा की जो एम्बेसी है वहाँ पे। तो वीजा ऑफिसर का एक मानना होता है कि जो इंसान ऑलरेडी यहाँ पढ़ाई कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में पढ़ाई कर रहा है या कर चुका है, उसको अब दोबारा कनाडा में पढ़ने की क्या जरूरत है, जो पढ़ाई है हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कर सकते हैं। और इस रीजन को लेकर उन्होंने काफी ऐसे क्लॉज लगा देते हैं, सेक्शन 216 लगा कर भी और दूसरे सेक्शन लगा कर भी, कि आपकी पढ़ाई करना, कनाडा में जाना इज अनरीजनेबल, तो इस बारे में मतलब वो आपको वीजा नहीं देते। लेकिन आपने ये साबित कर दिया कि आपने पढ़ाई करने के बाद आपने वर्क परमिट लिया, काम भी कर रहे हो कुछ, और उसके बाद आपने कनाडा में स्टडी एडमिशन लिया और उसके बाद फिर आपका वीजा भी मिल गया। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल ये है कि आप बता सकते हैं कि आपने न्यूजीलैंड में किस चीज की पढ़ाई करी है, कौन सा डिप्लोमा डिग्री कराया आपने? सर, न्यूजीलैंड में मैंने किया था पोस्ट स्टडी PGDBA व्हिच इज कॉल्ड पोस्ट स्टडी डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन।
अभी अभी ये जो आपने डिप्लोमा खत्म कर लिया, आपने जो कर लिया उसके बाद अब कनाडा में आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया? उसके बाद मैंने कनाडा में एमबीए के लिए अप्लाई किया है। तो वहां से पीजीडीबीए करने के बाद आपने एमबीए में एडमिशन ले लिया और उसने उनको आपको कहा कि ठीक है भाई जेन्युइन स्टूडेंट लगता है इसको दे दें, तो आपका वो वीजा मिल गया, दैट्स वंडरफुल। दूसरी बात ये है कि अब आपके परिवार का जो आपने पहले भी मेरे को कांटेक्ट किया था शायद 1 महीने पहले या समथिंग व्हाटएवर, तो मेरे ख्याल है कि आपने ये डिसाइड किया कि मैं अकेला करूंगा, जो भी हालात थे उस वक्त अकेला करूंगा। और आपने शायद एक बार आपके फैमिली का रिफ्यूज हो गया था, क्या हो गया था उसके बारे में बताएं। सर थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा मिसगाइडेंस हो गया था किसी और की तरफ से, तो उन्होंने, और आई थिंक यूट्यूब में भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं लोगों ने कि आप अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हो या वर्क वीजा पे हो तो आप बच्चों के लिए विजिटर वीजा अप्लाई करना चाहिए और अपनी वाइफ के लिए ओपन वर्क वीजा अप्लाई करना चाहिए। तो ये जो बात हमने हमें किसी ने जिसने भी बताई एजेंट ने या जहाँ हमने YouTube से देखा ये, तो ये बात गलत साबित हुई क्योंकि इमिग्रेशन वालों ने विजिटर वीजा रिजेक्ट कर दिया बच्चों के लिए। उनका ये कहना था कि आप जो ये रीजन मतलब उनको उनका ये कहना है कि विजिटर वीजा पे बच्चे मतलब इतने टाइम तक नहीं पढ़ सकते, और उनका जो हमारा इंटेंशन है वो ये कि हम वी आर नॉट गोइंग टू लीव कैनेडा ऑन दिस विजिटर, बच्चे में तो स्पेशली। वो गाइडेंस मेरे से तो तो नहीं मिली ना, कहीं से और आपने देखा था, आपने ऐसे कह हाँ जी सर, आपसे नहीं मिली है सर, ये दिया। किसी और ने मिसगाइड कर जी दिया और थोड़ी सी किसी और ने भी कर दिया, और साथ में हमने जो YouTube पे जो वीडियोस देखे उसमें ये था, कई लोगों ने बोला था कि नहीं बच्चों को विजिटर वीजा करना चाहिए, तो उस वजह से ये थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से ये हमने विजिटर वीजा फाइल कर दिया था और वो फिर रिफ्यूज हो गया था वो बच्चों रिफ्यूज का। हो गया, और फिर आपने शायद मेरे से अप्रोच किया, उन्होंने बात करी इस पे, और हाँ फिर एक और प्रॉब्लम शायद एक और ये हुई थी कि आपने जब वर्क परमिट अप्लाई किया वाइफ के लिए और बच्चे के लिए, फिर डिपेंडेंट वीजा अप्लाई किया, उस वक्त उन्होंने शायद कोई इंक्वायरी डाल दी थी कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, फंड्स कितने हैं, ऐसा कुछ है? सर उस वक्त इसमें एक चीज थोड़ा सा कैच है कि जब हमने एप्लीकेशन ओपन वर्क वीजा की डाली वाइफ की, तो उसमें कहीं लिखा नहीं था कि पीसीसी चाहिए, तो हमने पीसीसी सबमिट नहीं की, तो वहां से जो फिर उनका जो क्वेरी आई वो उन्होंने पीसीसी मांगी दोनों जगह की, इंडिया की और एज वेल एज न्यूजीलैंड की, तो वो हमें सबमिट करनी पड़ी। और साथ में एक ये था कि एक हमने जब मैंने अपनी खुद की एप्लीकेशन की थी तब मैंने एक फाइनेंशियल प्लानिंग करके डॉक्यूमेंट लगाया था, तो अब वो डॉक्यूमेंट मैंने वाइफ के वक्त नहीं लगाया, तो इसलिए फिर अब आई डोंट नो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट दोबारा से मांग लिया था, तो वो मुझे पीसीसी और साथ में ये जो डॉक्यूमेंट था ये लगाना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, उसका तो कोई चक्कर नहीं है। और फिर आपने मतलब कि स्टडी वीजा जो मेन प्रिंसिपल एप्लीकेंट का, उसका अलग गया, और उसमें आपने लिखा होगा, शायद जाहिर है कि लिखा होगा कि मैं अकेला जा रहा हूं और वो मेरी पत्नी और बच्चा वो नॉन अकम्पनिंग है। उसके बाद मिलते ही फिर आपने कुछ टाइम ठहरने के बाद आपने अपनी धर्म पत्नी का और बच्चे का लगा दिया, और उनका भी अब आपको अप्रूवल आ गई है रिसेंटली, करेक्ट? हाँ जी सर, इसमें थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा कि जब मैंने अपना इनिशियली किया था वो हुआ था मार्च में, और जो प्लानिंग थी वो यही थी क्योंकि मेरा सेशन स्टार्ट हो रहा था उधर आई थिंक मार्च के अराउंड ही, तो इनिशियली मैं खुद अकेले जाने वाला था, तो उस वक्त बच्चों का हमने इसलिए नहीं लगाया था वीज़ा, लेकिन फिर कोविड की वजह से हम लोग नहीं जा पाए और हमें सबको अक्टूबर तक रुकना पड़ा, तो अक्टूबर में आके फिर हमने वाइफ का और बच्चों का लगाया और जो फिर अप्रूव हो गया बाद में। ठीक है, तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन इससे थोड़ा सा मैं कोई कोई अगर कोई ये समझे कि भी ऐसा ही करना चाहिए, डेट इज नॉट एग्जैक्टली नॉट ऑलवेज सुटेबल इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, कि भी पहले हस्बैंड का लग जाएगा और उसके बाद, जो आजकल इंडिया में काफी लोग कहते हैं कि जी पहले हस्बैंड का लगा लो, मेन जो एप्लीकेंट है उसको लगा लो, बाकी मेंबर्स का बाद में लगा लेंगे, जैसा ना हो कि पहले का नहीं लगे। तो अगर आप अपने इस सिचुएशन में, अगर आप तीनों का, अगर लगता, अगर तीनों का इकट्ठा लगाते तो भी आई वुड से इट वुड हैव द सेम सेम लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग अप्रूव्ड ऑल थ्री एट द सेम टाइम। लेकिन आपने चलो ठहर के किया है तो उसमें तो
नहीं सर, हमारा देखिए, हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि पहले इसका लगाओ फिर बाद में लगाएंगे, ऐसा कोई भी हमारा इंटेंशन नहीं था। मैं क्योंकि ऑलरेडी वर्क कर रहा था न्यूजीलैंड में, और हम चाहते तो आगे न्यूजीलैंड में भी वीजा मिल सकता था, लेकिन ये, और जो खास तौर से जो इंडिया में ये जो तो पता नहीं जो लोग ये सब फैलाते हैं कि पहले एक का लगाओ फिर बाद में लगाओ, दिस इज नॉट करेक्ट। मतलब सब लोग साथ में लगा सकते हैं, ये दे आर लीगली एलिजिबल टू अप्लाई टूगेदर। तो ऐसा कोई भी केस नहीं है कि उन्हें पहले हस्बैंड का लगाओ या प्राइमरी एप्लीकेंट का लगाओ फिर बाद में बच्चों का लगाओ। बल्कि मेरा तो यही कहना होगा कि सबका, अगर आपका आपकी सिचुएशन है कि आप सब लोग साथ में जाना चाहते हैं, तो सबका साथ में ही लगाना चाहिए, और आप लोग लेस प्रॉब्लम में आएंगे, अदरवाइज यू विल एंड अप विद मोर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। जी और एक और बात सर कहना चाहूंगा कि हम एक्चुअली किसी का केस किसी से कंपेयर करना बहुत सही नहीं है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस इज वेरी यूनिक। एंड हम किसने क्या कोर्स किया हुआ है, वो कौन सा काम करता है, किसके भी बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, कौन क्या, किस बच्चों की एज क्या है, इतने सारे क्राइटेरियाज हैं, और उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एकदम से हम ऐसा सोच लें कि हाँ यार इनके साथ ऐसा हो गया था तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं, तो ये वो बात बहुत आपने गलत ये बात आपने सोला ने सही करी। इसके बारे में मेरे को एक एक मुहावरा हिंदी का याद आता है, 100 सुनार की एक लोहार की। आपने बिल्कुल ठोक दिया, बिल्कुल सही कि है। अभी इस वीडियो को, किसी और वीडियो को लोग कहते हैं जी उनका वीजा कैसे लग गया जी, हमारा क्यों नहीं लग रहा जी, आपने उनका काम कैसे कर दिया जी, हमारा क्या बात है, हमारे पास उतने पैसे हैं, हमारे पास वही डिग्री है वो है। तो बात यह है भाई साहब कि एक दवाई हर एक पेशेंट को नहीं लग सकती। रिएक्शन बॉडी का अलग होता है, आपकी पावर इम्यूनिटी पोटेंसी अलग होती है। तो ऐसा नहीं है कि दीपक का लग गया तो हर एक इंसान का जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड रह रहा है तो वो भी सीधे एमबीए में एडमिशन ले, सबका लग जाएगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। देयर इज ऑलवेज क्रिटिकल चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस, कई बार फर्क होता है। और सर उसके साथ साथ प्रोसेस का भी पूरा फर्क है। अगर कोई न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया से अप्लाई करता है, तो यहाँ से आपको जीसीआई नहीं देनी पड़ती, यहाँ पे आपको मेडिकल्स नहीं देना पड़ते, यहाँ पे आपका जो फंड्स का प्रूफ देते हैं उसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी चीजें जब अलग हैं तो हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। ये जो आपने बातें करी ना, जीआईसी की जो बातें करी हैं, चलो अच्छा आपने एक और थोड़ा सा इसमें एक रंग जोड़ दिया इसमें। लेकिन आपके सिचुएशन में आपके पास पैसे काफी ज्यादा थे शो करने को। मैं क्या गलत कह रहा हूँ कि आप बताना चाहते हैं कि आपने कितने पैसे शो करे थे ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में, लोकल करेंसी में, पूरे परिवार के लिए? सर देखिए, जो जैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी, जैसे 4 लोग जा रहे हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी 20,000 की है जो वेबसाइट पे लिस्टेड है, तो हमारे पास उसके जस्ट थोड़े से डबल पैसे थे। तो लेकिन एंड ऑफ द डे जो इमिग्रेशन वेबसाइट बोलती है, इट डजेंट मैटर कि भाई मेरे पास भाई 1 करोड़ रुपए हैं तो अब हमें वीजा मिलना चाहिए, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सो वो तो है ही, वो तो श्योर, मैं आपसे सहमत हूँ उस बारे में। लेकिन आपने जो यूनिवर्सिटी की फीस देने के बाद और जो, चलो उसको अलग कर दिया, यूनिवर्सिटी की फीस को अलग कर दिया, उसके अलावा कितने पैसे थे आपके ऑस्ट्रेलियन सॉरी मैं बार ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड की बैंक अकाउंट में कितने पैसे आपने थे स्टेटमेंट में आपके? हाँ सर मेरे अकाउंट में करीब करीब यही 45 के आसपास तो फिर तो थे। बहुत अच्छा है। $40,000 प्लस अगर आपके पास है, $40,000 न्यूजीलैंड और कैनेडियन डॉलर आपके पास हैं और जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं 3 लोगों के लिए, तो बहुत ही ये सॉलिड एप्लीकेशन है। दूसरी बात है कि आपका एमबीए में जा रहे हैं, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, मैं पूछना नहीं चाहता हूँ क्या काम करते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं और आगे की एडवांस डिग्री करने जा रहे हैं और आपके पास $40,000 प्लस है, इट इज अ वेरी सॉलिड एप्लीकेशन। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके इंग्लिश का कितना स्कोर था? सर एक और चीज़ है, क्योंकि मुझे इंग्लिश की भी एग्जाम देनी नहीं पड़ी, बिकॉज मैंने जैसे न्यूजीलैंड से ऑलरेडी कोर्स किया है, PGTBA, तो उसके बेसिस पे आई डोंट नीड टू गिव इंग्लिश एग्जाम। वो तो यूनिवर्सिटी ने आपको वेव कर दिया, इज दैट राइट? दैट्स राइट या आप कृपा करके आप यूनिवर्सिटी का नाम देना चाहेंगे या ज्यादा मैं पूछ रहा हूँ कुछ? ठीक नहीं सर, मैं थोड़ा इस प्राइवेसी है, कंसर्न्स की अच्छी बात है, कोई वजह बात नहीं। से। सो मतलब कि एमबीए में अगर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से आपने पढ़ाई करी है तो उन्होंने आपको इंग्लिश के लिए वेव ऑफ कर दिया। ये आपकी इंग्लिश की काबिलियत है, सराहनीय है, आपकी प्रशंसा, आप प्रशंसा योग्य हैं कि आपको इंग्लिश के लिए उन्होंने नहीं करा। बाकी इंडिया से तो करते हैं, वो तो सबसे कहते हैं कि IELTS लाओ, ये लाओ, वो लाओ।
नहीं सर, इसके अलावा मुझे स्कॉलरशिप भी मिली है कॉलेज से, यार तो आपकी तो प्रशंसा की लंबी क्रांति पड़ रही है। स्कॉलरशिप भी मिल गई? कितनी स्कॉलरशिप मिल गई सर? इसमें अराउंड 5,000 की स्कॉलरशिप मिली है। अच्छा, 5,000 की स्कॉलरशिप भी मिल गई, तो वो भी वीजा ऑफिसर देख के खुश हो गया होगा, भाई ये तो वाकई पढ़ाकू लोग हैं, स्कॉलर है लग रहा है, तो वाकई एमबीए करेगा, वहां पर कुछ ना कुछ झंडे गाड़ेगा अपने जाके, और साथ में पैसे भी हैं आपके और बाकी काम भी कर रहे हैं। इट इज मोर और लेस लाइक अ परफेक्ट एप्लीकेशन। और यस सर, और आपकी प्रीवियस हिस्ट्री भी मैटर करती है, जैसे मेरा शुरू से आप, जैसे आपका बैचलर्स बिजनेस की लाइन में था, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आपने जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू गेट अ डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है पढ़ाई लिखाई की, दैट मैटर्स अ लॉट। तो ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने वकालत पढ़ी है और अब अचानक एमबीए करने जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, कि बिल्कुल है। लेकिन दीपक, मैं तो कई बार मैं खुद कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि इमिग्रेशन की जो बगिया में तरह तरह के फूल खिले हैं, कई बार मेरे पास ऐसे ऐसे केस आए हैं जहाँ पर इंडिया से, जहाँ पर एक लड़की ने यू नो उसने किया है बीकॉम किया है वगैरह, या कुछ और किया है, कॉमर्स वाला अकाउंटेंसी करी है, पता नहीं किसी एजेंट ने उसे कहा, कह दिया कि भाई तेरा मैं एडमिशन करा देता हूँ अर्ली चाइल्ड केयर में या व्हाटएवर, ऐसा कुछ चाइल्ड केयर होता है ना जिसे, तो इसमें करा देता हूँ, और किस्मत का पलटा देखो और कुदरती तरीके से शायद उसका, आपने कहा कि रेलिवेंस होनी चाहिए, रेलिवेंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी वीजा लग गया। ये कई बार इंसान के मत्थे पे कुछ ऐसे लिखे होते हैं जो ऊपर से भगवान ने डाली होती है रेखाएं कि तुम्हें जाना ही है कनाडा, कनाडा में जाके तुम वहां पर आटा दाल कनाडा का खाओगे, तो उनका वीजा वैसे ही लगता है। और कई बार क्या होता है कि आपकी रेलिवेंसी होते हुए भी वीजा नहीं लगता है। आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स, आई मीन आई कैन नॉट टेल यू हाउ, यू नो कि आपने बीकॉम पढ़ी और फिर अपने बिजनेस पढ़ा फलाना किया, फिर आपने कुछ और बिजनेस में पीजी डिप्लोमा ले लिया, एमपी लिया, फिर भी उनको कह दिया कि सॉरी इट इज नॉट रीजनेबल फॉर यू, कुछ में और भी वेरिएशंस हो सकती हैं, पैसे कम हो सकते हैं, आपकी इंग्लिश कमजोर हो सकती है, आपका रेलिवेंट आपकी जो एसओपी आपने सही लिखी नहीं है, व्हाटएवर जो भी कुछ हो सकता है, पर ऑल इन ऑल इट्स अ वंडरफुल न्यूज फॉर यू। और जनवरी में आप आ रहे हो कनाडा मेरे ख्याल? हाँ जी सर। वैनकूवर जाओगे शायद? हाँ जी सर। चलो थैंक यू वेरी मच, आपने कृपा करके अपना टाइम दिया और मैं आपका कृतार्थ हूँ। आपने नहीं सर, ऐसी हम सर हम आपके कितना के सर, आपकी इतनी जो YouTube वीडियोस हैं और आप जो लोगों की इतनी हेल्प करते हैं, सो बहुत ही सराहनीय है। और सर मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मेरे रिफ्यूजल के बाद आपने रेस्पॉन्ड किया, वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है कि आपने, मतलब मेरा अपॉइंटमेंट एक दिन बाद का था, लेकिन आपने उसको एक दिन आगे किया और हमसे पहले बात की, तो मैं तो सर आपका हमेशा आभारी रहूंगा इस बात के लिए। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, कहाँ के रहने वाले हैं इनिशियली इंडिया में? सर हम मध्य प्रदेश इंदौर। अच्छा अच्छा अच्छा, इंदौर के रहने वाले, तभी आपकी हिंदी ऐसी अतुलनीय है, आपकी लग रहा है जैसे कविता पाठ चल रहा है कोई। अच्छा जी, आपकी हिंदी है और हिंदी बोलना मेरे को अच्छा लगता है। कई बार जो विदेशों में हम बात करते हैं, जैसे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी बात करते हैं, तो वैसे हम इंग्लिश में बोल बोल कभी थक जाते हैं, तो लगता है कि अपनी भाषा में कुछ ऐसे कुछ बोलने को मिले जिससे कि अपनी पुरानी एक संस्कृति से जुड़े रहें। तो सर मैं ढूंढता हूँ, ऐसे लोग ढूंढता हूँ मैं बाहर, या यू नो वेयर एवर, बाहर ढूंढता हूँ कि भाई कोई कोई ऐसा अपनी लैंग्वेज में कोई बोल, चाहे पंजाबी हो, चाहे चाहे हिंदी हो, या ऐसी कोई लैंग्वेज बोलने मिले जिससे कि पता लगे कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। हाँ सर, मैं तो यही मानता हूँ कि हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, अपने देश को कभी नहीं भूलना है और अपनी भाषा को, तो वही हमारा असली अस्तित्व है। जी 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 जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। और जहाँ तक आपने बात करी कि आप सराहना करते हैं, वो करते हैं, देखिए जी हम, मैं तो पैसे कमा रहा हूँ, पैसे कमाना के मतलब ठीक है, आप भी पैसे कमा, जैसे आप भी काम कर रहे हैं, आप भी तनख्वाह लेते हैं, और भी लोग जब कोई बिजनेस कर रहे हैं वो भी चार्ज करते हैं, तो मैंने तो आपके लिए, आपकी तरफ कोई उपकार नहीं किया, मैंने $275 चार्ज करे हैं, और आपको जो आपने सवाल पूछे थे और मैंने अपने दिल से आंसर दिया है। मैं किताब पढ़ के कभी आंसर नहीं देता, मैं अपने दिल से जो मेरी आवाज़ निकलती है और वो वैसे मैं आंसर देता हूँ, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि बहुतों के, आई एम नॉट सेइंग गारंटी कि हर एक का वीजा लग जाएगा, पर डिपेंडिंग ऑन के क्या सिचुएशन है, लेकिन जब आप ऐसे सूचना देते हैं कि जी हमारा वीजा लग गया, तो मैं समझता हूँ कि 275 हमारे जो हक हलाल की कमाई है, वो उसके लिए हम भगवान को हमेशा याद करते हैं, और क्लाइंट को मानते हैं कि भगवान का रूप है,
और आप आए, आपने $275 दिए, उससे मेरा रोजी रोटी और राशन चला और आपका काम हो गया। इससे बढ़ के और क्या चीज हो सकती है? सर 275 सर, इसकी कोई बात ही नहीं है पैसे की। सर मेन चीज़ ये है सर, मुझे आपका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा लगा सर, क्योंकि आपने ठीक है पैसे लिए है, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ था अपॉइंटमेंट लेते वक्त कि भाई मैं जल्दी आपका कर देता हूँ या आपके जिस दिन। सर ये आपकी इंसानियत थी कि आपको लगा कि नहीं यार इनका रिफ्यूज़ल आया हुआ है, मुझे इनकी हेल्प जल्दी करनी चाहिए, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड अब आई इसके बारे में आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ, शायद बताना नहीं चाहिए। कई बार होता है कि मैं सारे दिन तो मैं फाइल देखता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, और मैं शाम को मैं वॉकिंग करने के लिए निकलता हूँ। वॉकिंग मतलब मैं बाहर निकलता हूँ, थोड़ा सा ठंड होती है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत मैं वॉकिंग करता हूँ। जब मैं वॉकिंग करने निकलता हूँ तो जितने भी मेरे पास मैसेज आए होते हैं, तो उनमें से जो भी मैसेज लिखा है उनमें से मैं किसी को पिक कर लेता हूँ कि आज मैं वॉकिंग करते करते मैं अभी इससे बात करके देखूं कि क्या मसला क्या है। तो उस दिन आपका नंबर आ गया और ऐसा हो गया और संयोग से आपकी बात हो गई और मेरे को पता लग गया वाकई अर्जेंसी है, तो हमने कहा कि चलो ठीक है कर लेते हैं, ये बात हुई थी। हाँ सर, ये बात बहुत बड़ी है सर हमारे लिए, तो सो दैट्स रियली गुड ठीक है दीपक जी, सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं आशा करता हूँ कि जब आप वैंकूवर आएंगे तब भी मेरे को कॉल करेंगे और बने रहें। सर मैं और आप या सर मैं आपके साथ अब हमेशा कांटेक्ट में रहूँगा सर, यू आर, और आने वाले टाइम में भी सर मैं आपका मार्गदर्शन पे लेना चाहूँगा, तो सर ठीक है सर ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद आपका, आपके परिवार को और आपको सारे सबको शुभकामनाएं, और कनाडा आपका प्रतीक्षा हो रही है कनाडा में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, गुड बाय। बाय।